सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र के अवैध कोयले से सज रही है डुमरी, तात्री और दुगदा की मंडियां। बैरमो कोयलांचल में सीसीएल ढोरी क्षेत्र में इन दिनों काले हीरे यानी कोयले का अवैध उत्खनन पूरे जोर शोर से चल रहा है। क्षेत्र के सुभाष नगर, अमलो और जवाहर नगर 5 नंबर ढोरी क्षेत्र में अवैध कोयले का उत्खनन और फिर यहां से बाहर की मंडियों में एक बड़े नेक्सस के माध्यम से इस अवैध कोयले को पहुंचाया जाता है। सूत्रों की माने तो इस अवैध उत्खनन में कोयले के अवैध कारोबारियों की संलिप्तता तो है ही। सीसीएल की क्यूआरटी की टीम, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह पूरा खेल यहां चल रहा है। छोटी छोटी गाड़ियों में कोयले को लोड कर एक सेफ जोन तक यहां से पहुंचाया जाता है और फिर वहां से बड़े वाहनों से बड़ी बड़ी मंडियों में इस अवैध कोयले को खपाया जाता है। सीसीएल को भले ही इससे लाखों रुपये का नुकसान होता हो, पर इससे शायद ही किसी को कोई फर्क पड़ता है या डर लगता है। सीसीएल ढोरी अमलो रेलवे साइडिंग, तर्मी रेलवे साइडिंग कोयला चोरों के लिए इन दिनों मानो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। 5 नंबर धोड़ा, नथुन धोड़ा, ढोरी फुटबॉल मैदान के अगल बगल स्थित कॉलोनियां, फुसरो रेलवे ओवरब्रिज, अमलो में बन रहे पानी टंकी का जंगल, अमलो करबला मैदान के पीछे की बस्तियां, कॉलोनियां सहित आधा दर्जन स्थानों से अवैध कोयले के कारोबारी दिन हो या रात लगातार अवैध कोयले को इकट्ठा करते हैं, जिसे 407 और दूसरी गाड़ियों, यहां तक कि स्कूल वैन टेम्पो में लोड कर तात्री, दुगदा, इसरी, डुमरी और बोकारो की मंडियों में भेजा जाता है। और इसके अलावा इन मंडियों से भी इस कोयले को बाहर और दूसरे प्रदेशों तक में भी भेजा जाता है। कोयले के इस धड़ल्ले से खुलेआम चल रहे अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन और सीसीएल की यदा कदा छापेमारी जरूर होती है, पर शायद ही इससे किसी को कोई फर्क पड़ता है। और बैरमो कोयलांचल में खुलेआम इस तरह राष्ट्रीय संपत्ति को इसी तरह लूटा जा रहा है, इसकी चोरी हो रही है। मतलब ज्यादा तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कभी। छोटी गाड़ियों में क्या जाता है? मतलब को छोटा गाड़ी कोयला को कोयला भरा के निकलता है। पेट्रोलिंग गाड़ियां आती हैं रात में? हाँ, पेट्रोलिंग गाड़ी कभी कभी आते हैं, अभी आएगा मतलब 2 बजे के आसपास। अस मतलब 3 दिन आगे देखे थे, अभी देखने कोयला गाड़ी है। हाँ जी।